हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बन और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के वीडियो। जी हां, ये वीडियो को मैं रोज अपलोड करता हूं ताकि ये देखने के लिए कि आपके मैनिफेस्टेशंस ठीक से हो रहे कि नहीं, आपके एंग्जायटी रिमूव हो रहे कि नहीं, कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे कि नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग होता है, तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करते वही चीज़ों को आप लोग ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सेकेंडली, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तब ही ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं जो भी रीडिंग करता हूँ वो सोल बेस्ड रीडिंग ही होता है, कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होता है। तो अगर आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये रीडिंग को आप देख सकते हो। एंड लास्टली, ये जो रीडिंग मैं करूंगा ये आपके पास्ट पर्सन के लिए हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन के लिए हो सकती है, या फिर सीक्रेट कनेक्शंस के लिए भी हो सकते हैं, फ्रेंड के लिए भी हो सकते हैं, हस्बैंड के लिए भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसी वक्त आप लोग वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पार्टनर इसी वक्त क्या सोच रहे हैं? ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आया है, एक है चेरियट, दूसरे है हेरोफेंट। तो मैं देख सकता हूं कि कोई कैंसर या फिर टॉरस या फिर कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ये पर्सन अक्सर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके तरफ वो जाएंगे। ये हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर सेपरेटेड पर्सन के साथ, या फिर एक बहुत ही इमोशनल पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जो अक्सर आपको बहुत प्यार करते हैं, जो अक्सर आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, बट अभी के लिए वो बहुत स्ट्रगल फेज में है। हो सकता है कि उसके फैमिली आपसे मना करें। देखिए, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ये आपको अभी भी प्यार करते हैं, बट फैमिली के कारण ये बहुत ज्यादा चिंतित है। मेरे ख्याल से ये एक मैरिड पर्सन है और इसके एग्जिस्टिंग फैमिली इसको काइंड ऑफ बहुत बुरी तरीके से डील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। ये पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये आपको अवॉइड कर रहे या फिर बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन दिल का बहुत साफ है, बट थोड़ा बहुत बचपना इसके अंदर है। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि ये जब भी बात करते तो घंटों बाहर बात करते, बट बात नहीं करते तो हो सकता है एक महीना दो महीना बात नहीं करते। तो ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस चल रहे, बट यहाँ पे सच्चा प्यार है, सच्चा कनेक्शंस है। ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहेंगे, इसके एक मैरिज का ड्रीम भी है आपके साथ, बट ये खुद के लाइफ लेसन को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ पे हैं। ये अक्सर मैं देख रहा हूँ कि इसके फैमिली में एक प्रॉब्लम खत्म हो रहा है तो दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसके कारण ये आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आपके सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं, जो अक्सर आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं होते इसके अंदर, तो ये कह नहीं पाते। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करे, बट ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कुछ बोले है आपको, बट आपने शायद कुछ ही दूसरे पर्सन के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको नो बोले हो। मेरे ख्याल से जो भी है, ये पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आप दूसरे पर्सन को पसंद करते हो बट आपको कोई और पर्सन पसंद कर रहे हैं, बट घर वालों के प्रेशर में आके आप उस पर्सन के साथ बात कर रहे हो और आप अटली कंफ्यूज सिचुएशंस में हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि कुछ हद तक आपको समझना है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक आइडियल ऑप्शंस आपके सामने है, बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि आप किसी पर्सन को दिल से चाहते हो, उस पर्सन के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहे, बट जो पर्सन आपको पसंद करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको भी पता है, बट उस पर्सन के लिए आप उतना जेन्युइनली फील नहीं करते हो। सकता है आप मोटिवेट कर रहे हो या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आपके सोच को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कंस्टेंटली आप रो रहे हो एक पर्सन के लिए, उस पर्सन के तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे। हो सकता है आप रिचुअल किए हो, पूजा किए हो, प्रेयर किए हो, स्पेल किए हो, मैनिफेस्टेशंस किए हो, बट कोई भी काम नहीं हो रहा है फिलहाल उस पर्सन के तरफ से। लेट्स सी और क्या कनेक्शंस आते हैं। देखिए, यहाँ पे कनेक्शन है थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये ट्वीन फ्लेम कनेक्शन है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन अक्सर आपके लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आते हैं तो आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो, और ये पर्सन बहुत खूबसूरत है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट ये अभी तक आपके सामने ना तो मैसेज किए ना कॉल किए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बट ये पर्सन आपको भी इक्वली प्यार करती है और साइमल्टेनियसली दूसरे पर्सन को भी। मैं देख रहा हूं कि आपको पता है कि इसके थर्ड पार्टी इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर किया है, और ये आपको काइंड ऑफ ये बोल रहे कि वो आपके दिल तोड़ना नहीं चाहते, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आप बहुत ही बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। बट एक चीज में यहाँ पे आपके गम है, क्योंकि आप अक्सर उनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए हो, बट जब उनका बारी आता है तो ये मुंह मोड़ लेता है। आपके ऊपर एलिगेशंस ये लगाए हैं कि आप ही रिलेशनशिप को तोड़े हो और आप ही इसको हर्ट किए हो, हालांकि
ये आपके पीठ पीछे ये सब चीज कर रहे थे और आपको, आप बोल नहीं पा रहे थे, आप बहुत ओवरथिंक किए थे और आपने हर हाल पे इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश किए थे, बट कुछ ऐसी चीज आपको ट्रिगर कर गए और आपने इसके इसको बहुत कुछ बोल दिए और इसके कारण हो सकता है ये बात नहीं कर रहे और ये स्ट्रगल कर रहे कि क्या होगा, इसको पता नहीं चल रहा है। फिलहाल ये दूसरे पर्सन के ऊपर भी सोच रहे और आपके ऊपर भी सोच रहे, डेफिनेटली ये आपके साथ अपने पास पर्सन या फिर कोई जो थर्ड पार्टी उसके कंपेयर कर रहे, बट मैं ट्रस्ट में एक चीज बोलूं कि ये पर्सन इस फायदा ले रहे हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन आपके सामने कुछ नहीं बोल रहे और आपको हैंगमैन की पोजीशंस पे लेके जा रहे हैं और आप बोल रहे हो कि भैया मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर इस पर्सन से मूव ऑन करूँ, बट एक होप लेके बैठे हो कि कुछ अच्छा होगा और डेफिनेटली ये प्लैनेटरी चेंजेस आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आपको थोड़ा देर वेट करना चाहिए क्योंकि जो थर्ड पार्टी ने स्पेल इसके ऊपर किया है वो थर्ड पार्टी चला जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर थर्ड पार्टी ने स्पेल किया था कुछ हासिल करने के लिए। मेरे ख्याल से इसके फाइनेंशियल फ्रीडम को ये थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और आपके पर्सन जो है वो बहुत दिल का साफ है, बट अक्सर इसके कैरेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अक्सर ये पर्सन फ्लर्ट करते रहते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तो ये पर्सन फिजिकली इंटीमेट हुए हैं इस पर्सन के साथ, बट अभी उसको पता चल रहा है कि ये फिजिकल इंटीमेसी ये वो ये उसको वो वाले फील नहीं दे रहे जो फीलिंग वो आपके साथ उसको मिलता था, बट ये पर्सन इस बुरी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए है, आपको काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट किए आपके साथ क्योंकि ये पर्सन आपको बोले है कि आप बहुत बोरिंग हो या फिर आपके अंदर कुछ नेगेटिव चेंजेस आ गए हैं और आप पहले के जैसे नहीं हो और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट किया है। ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये मैरिड पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एक टाइम पे, अपना आप इसको अपना लाइफ मान रहे थे, बट अभी आपके लाइफ में कोई होप नहीं है, सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकता है, बट अक्सर आप देखते हो कि ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आप ही के जैसे दुखी है, ये फेक स्माइल लेके चल रहे हैं और फेक प्रिटेंड कर रहे उस थर्ड पार्टी के साथ कि ये बहुत खुश है, बट अक्सर ये आपको मिस कर रहे हैं, बट फाइनली ये इतना दिन और ये फेकनेस के साथ नहीं रह सकते हैं, ये अपने थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए राजी हो जा रहे हैं। इसके फ्रेंड्स भी सलाह दे रहे हैं कि ये मैरिज खास नहीं होगा, मैं देख सकता हूँ ये ऑलरेडी एंगेज है या फिर किसी के साथ इसका शादी फिक्स्ड हुआ है या फिर रिसेंटली इसका मैरिज हुआ है, इसके पहले से आप जानते हो इससे, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एंगेज्ड हो और आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है तो आप बहुत ज़्यादा फंसे हो या फिर हो सकते हैं कि आप एक मैरिड फीमेल हो या फिर मैरिड मेल हो और वो भी एक मैरिड पर्सन है, बट उनके एक्स आ रहा है जा रहा है या फिर इसके फैमिली आपको आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे और आप चाहते हो कि एक साथ मिलेंगे या लिव इन करेंगे, एक लिव टुगेदर करेंगे या फिर दोनों के चाइल्ड्स के लिए कि एक साथ रहेंगे, बट फिलहाल ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। ड्रीम्स देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, टैरो रीडर्स भी शायद आपको बोले कि आप लोग मिलेंगे, बट ये एक सीक्रेट कनेक्शन है, शायद आप पब्लिक आईज में बहुत नॉर्मल फ्रेंड्स हो बट डीप इन इनसाइड आपको पता है कि आप दोनों बहुत बहुत ज्यादा करीब हो। हो सकता है इसके साथ आपका 3 times से लेके 4 times फिजिकल इंटीमेसी हुआ है या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस कपल हो, बात होता है मिले नहीं हो बट यस बहुत इंटेंस बात होता है या फिर मैं देख सकता हूँ रोमांटिक मैसेजेस का एक्सचेंज होता है। अक्सर ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करते हैं और आपको ऐसे इंडिकेशन देते हैं कि ये आपको अभी भी प्यार करते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ बिना कुछ बोले ही आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बट ये भी बोल देते हैं कि देखिए लव करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी पॉसिबल है, कमिटमेंट ये नहीं देना चाहते क्योंकि अक्सर ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो कुछ अजीब किस्म के वाइब्स आ रहे हैं। ये पर्सन भी कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसीज के एनर्जी से ही आ रहे हैं। यहां पे बात आते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के, तो देखिए ये पर्सन जो है ये आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं और ये भी जानते हैं कि आप एक प्रॉपर पर्सन हो, बट आप अभी भी सेटल नहीं हो। मेरे ख्याल से ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत छोटे हो या फिर आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आना होगा। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपसे 10-20 साल के बड़े हैं या फिर ये पर्सन 10-20 साल के छोटे हैं, बट एक रिलीजियस फैक्टर काम करे, हो सकता है ये डिफरेंट रिलीजियन का है या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल बॉन्डिंग्स को कैरी करते हो कि अक्सर इसके साथ आप मिल नहीं पाते हो, अब मिल भी जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो मैं देख रहा हूं कि पिछले एक साल से इस पर्सन के साथ आपका कुछ बात नहीं हुआ है, लिटरली नो कॉन्टैक्ट में हो, बट आज तक मतलब अभी तक भी ये पर्सन का एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जो आपके बारे में ये नहीं सोचे, बट ये पर्सन जरूर मानते
कि जब आप दोनों एक साथ थे तो उनका लाइफ बहुत डेवलपमेंट उनके लाइफ में आया था, जब भी आप बिछड़ गए हो तो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। कुछ हद तक ये पर्सन बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस पर्सन के साथ आप बहुत डिफरेंट तरीके से इस पर्सन को ट्रीट किए हो। मैं देख सकता हूं कि आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि उस टाइम पे शायद आप उस पर्सन को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके लिए कोई और पर्सन डिफरेंट पर्सन था, या फिर उस टाइम पे आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे। बट ये पर्सन आपके साथ एफर्ट्स डाल रहा था, जैसे ये पर्सन चले गए या फिर जैसे ये पर्सन के साथ आपका फिजिकल इंटीमेसी हुआ, तब आपको शायद लगा कि नहीं, इसके साथ आपका एक बहुत डीप बॉन्डिंग है, बट तब बहुत लेट हो गया था। मेरे ख्याल से ये पर्सन जानते हैं कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो और आप अक्सर प्रैक्टिकली बातों को लेकर चलते हो, इमोशनल ज्यादा नहीं होते हो, इसी लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा रोक रहे हैं खुद को। बट यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसा नया ट्विस्ट और टर्न्स आ रहा है, जहां पे ये पर्सन आपके सामने आके सरेंडर करेंगे और ये एक सेकेंड चांस मांगेंगे। हो सकता है सेकेंड मैरिज के लिए इस पर्सन के साथ आप मिले हो, या फिर हो सकता है आप एक डिवोर्स पर्सन हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सिंगल हो बट आपका एज हो गया है, ऐसा हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज के अंदर हो, जो मैरिज हाँ है तो सक्सेसफुल इन द पब्लिक आई, बट यहाँ पे कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, और आप एक इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि ये सब जानते हुए भी आप उस मैरिज को कॉल ऑफ नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड, मतलब आपके बच्चे के लिए, या फिर आपके सोशल रेपुटेशन के लिए, या फिर आपके जॉब के लिए। और इसी कारण आप इस पर्सन के सामने कुछ ज्यादा नहीं बोलते हो, और ये पर्सन इसका फायदा उठाते हैं। अक्सर मैं देख रहा हूं कि फाइनेंशियल हेल्प आपसे वो लेता है, बट जब इनका आपको अफेक्शंस दिखाने का बारी आता है, जब इनको आपको केयरिंग दिखाने का बारी आता है, तो ये मुंह मोड़ लेता है। मैं ये भी देख रहा हूं कि गिव एंड टेक बहुत ज्यादा हुआ था, बट ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल वेट आप इसके लिए बहुत करते थे। एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि आप दोनों इसके लिए आप शायद वेट करते थे लंच होने तक, उसके बाद ही आप लोग खाते थे, एक साथ नहीं खाते थे बट कॉल और मैसेज के थ्रू आप लोग काइंड ऑफ एक सेटअप करते थे कि हाँ आप वो जिस टाइम पे खा रहे हो आप भी उस टाइम पे खा रहे हो, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। बहुत ज्यादा खुद को चेंज किए हो, एडजस्ट किए हो, उसके बावजूद भी इसका दिल आप नहीं जीत पाए, बट आपको एक फर्म बिलीफ है कि यूनिवर्स जब इसको साथ आपको मिला है तो ये आपके पास आएंगे। हो सकते हैं ये आपके वाइफ है और ये आपसे चले गए हैं बिना कुछ बोल के, या फिर ऐसे एक पर्सन है जो आपको बिना कुछ बोल के गोस्ट करके चले गए थे, आपको ब्लॉक करके चले गए थे, बट आपका एक होप है कि ये जरूर लौट के आएंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन को आपको डिवाइन ने मिलाए थे, और आपको इस पर्सन के सामने जब भी आप मिले थे तो आपको लगा था कि आपके लाइफ एक आप फाइनली लाइफ में कोई पर्सन आपको मिला है और इसके साथ आप फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बट ये सब का कारण आप बहुत शॉक्ड हो, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है, और अभी आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो और आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा दिन में देख रहा हूं कि आप डिप्रेस रहते हो और स्पिरिचुअल काम कर रहे हो या फिर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी कुछ ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, डिप्रेस्ड ही हो और तबीयत बहुत खराब हो रहा है, आप खा नहीं पा रहे हो, और ये पर्सन सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि आपको अवॉइड करे, इग्नोर करे, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने पूरा मन से काम करे और अपने करियर के ऊपर फोकस करे, और डेफिनेटली ये अपने एग्जिस्टिंग फैमिली के ऊपर फोकस करे। देखिए इसके गोल बहुत सिंपल है कि ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में लग्जरी को लेके चलना चाहते हैं, इसके लिए सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर मैं देख सकता हूँ कि कैजुअल लव मेकिंग या फिर लोगों के साथ फिजिकल हो जाना, लोगों के साथ बहुत फ्लर्ट करना, ये करते हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल इसको बहुत पसंद है। मैं देख सकता हूँ कि नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1 इसके बर्थडेट हो सकते हैं, 17, 13, 15, 10 इसके बर्थडेट हो सकते हैं, यहाँ तक कि जुलाई, मई महीना और नवंबर, मार्च महीना, मैं देख सकता हूँ दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक कि सितंबर महीना इसका बर्थ मंथ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का बर्थ डेट सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थ डेट हो नंबर 3, या फिर आप नंबर 3 हो वो नंबर 6 है, आप नंबर 3 हो वो नंबर 9 है, आप 6 हो वो 9 है, ये बर्थ नंबर हो मैं बोल रहा हूँ। और ये पर्सन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, ये अपने फैमिली के आगे कुछ नहीं कहते हैं, और दरअसल ये बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत जिद्दी है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बट जब आप इसको कुछ बोलते हो वो चीजों को ये अपने काम का एक एक्सक्यूजेस दिखाते हैं। अभी मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर के लूप होल्स क्या है, यानी कि इसके फियर क्या है, कौन सी चीज को लेकर ये डर रहे हैं। देखिए पहला डर है फोर ऑफ कप्स,
रिलेशनशिप में वो पहले की तरह केमिस्ट्री नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से आपके पास आए थे अभी इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक ऐसे पर्सन है जो इसको स्पेल करके आपसे मूव करा रहे हैं, या फिर इसके फैमिली इसको इतना ज्यादा बुरा वाला बोल रहे कि ये सोच रहे कि नहीं इसके कुछ आगे में आगे जाके कुछ नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से ये अक्सर डिप्रेस रहते हैं और अपने पास के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसका एक्स वाइफ इसको बहुत तकलीफ करते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इसके एक्स वाइफ वापस आए, बट फिर भी ये चाहते हैं कि नहीं इसके लाइफ में आप हो। कहीं ना कहीं इसका डर है कि ये आपको भी खो देंगे और पास्ट को भी इसको नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अक्सर फैमिली को मिस करते हैं, इसके पास कोई फैमिली नहीं है। अक्सर ये अकेले महसूस करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली ये बहुत लो चल रहे हैं। हो सकता है कि इसका जॉब लॉस हुआ है, फिर रिसेंटली इसके लाइफ में तबाही मचा है, लाइक इसके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही, तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। सुइसाइडियल थॉट्स भी इसको आ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत फेक स्माइल लेके भी ये लोग चल रहे हैं, ये पर्टिकुलरली कोई मेल और फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट है एस ऑफ शोर्ट्स। बात तो ये करना चाहते हैं बट खुल के बात नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा बात करें। यस, आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस करें कि आपके पास लौटना चाहिए कि नहीं। कोई फ्रेंड्स इसको सलाह दे रहे बट इसके दिल नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से इसको पता चल रहा है कि ये आपके साथ कुछ गलत काम किए, तो इसीलिए लाइफ ने इसके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ये झूठ बोला है आपको, या फिर आपके फ्रेंड के सामने ये बहुत सच बोला है और आपको ये चीज छुपा रहे हैं, और ये इसको पता है कि कहीं ना आपके फ्रेंड आपको कुछ बोल रहे हैं, या फिर कहीं ना आपको कुछ पता चलेगा, कहीं ना आप अपनी इंट्यूशन से इसके बारे में कुछ पता कर लोगे। मेरे ख्याल से ये डर रहे है कि आपको कुछ सच पता चल जाएगा, ये डर रहे कि आप ये जो चीज को छुपा रहे हैं, फिर फैमिली इसके फैमिली आपके बारे में कुछ बुरा वाला बोलेंगे और वो चीज को ये छुपा रहे हैं आपसे। बहुत ज्यादा ये चीजों को छुपा रहे हैं और इसको डर ये है कहीं ना आपको ये चीज पता चल जाए। मेरे ख्याल से ये एक चीज को लेके भी डर रहे हैं कि इसको पता है कि आप हाईली इंट्यूटिव हो और आप झूठ को बहुत ज्यादा पकड़ते हो, और पहले भी आप इसको झूठ पकड़े हो, तो मेरे ख्याल से आपका शक है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, और शायद आप वही चीज को इसको बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड पार्टी का कोई मतलब दिख रहे हो कि ये ऑनलाइन है और आपके बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बात करने से डर है क्योंकि इसको पता चल रहा है कि आपको भी आप देखे हो इसको किसी के साथ चैट करते हुए, फिर किसी के साथ चलते हुए, फिर इसके कॉल बिजी, तो आपके पास प्रूफ है बट अभी भी आप नहीं कह रहे हो, तो इसको डर है कहीं ना आपको पता चल जाए इसके दिल का राज। ओके, उसके बाद देखता हूं नाइट ऑफ वांड्स। मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये आपको बहुत स्मार्ट मानते हैं, ये जानते हैं कि आप कौन से टाइम पे क्या करने वाले हो। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और ये एक चीज को लेकर डर रहे हैं कि कहीं ना आप इसको इसके सच्चाई के साथ इसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करो, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं कि इसको पता चल रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आपके फ्यूचर ब्राइट है और आप बहुत अच्छे से चेंज कर रहे हो, बट इसका डर ये है कि कहीं ना ये आप इनको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास चले जाओ। ये पॉजिटिव भी हो रहे हैं बट ये खुद भी काइंड ऑफ लॉयल नहीं हो पा रहे। मेरे ख्याल से इसके सोच आपके साथ आता है कि हाँ एक बार वो बोल रहे कि आपको कमिटमेंट दे देंगे, ये सब अच्छे से बात करेंगे, दूसरे टाइम पे ये बात नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस के गैप है। फैमिली का एक मैं देख रहा हूँ कि एज गैप में देख सकते हो कि आपके एज बड़े हैं या फिर आपके एज छोटे हैं, मेंटल मैच्योरिटी का एक प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आपको चाहते हैं आप उस तरीके से बिहेव नहीं करते हो, तो इसका डर ये है कि फाइनली आपको सब कुछ चीज पता चल रहा है और फाइनली आप मूव करके जा रहे हो, बट ये आपको बोल रहे कि प्लीज मूव ऑन मत करिए, आप इनके लिए वेट करिए, ये खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं, बट ये चीज को ये बोल नहीं पा रहे, और आप बोल रहे हो कि जब तक ना आप बहुत अच्छे पर्सन बन के मेरे लाइफ में लौटोगे नहीं, तब तक मैं जाके आपके सामने कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप फेडअप हो गए हो और आप बात करना बंद कर दिए हो, या फिर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, आप बहुत दर्द में इसको इग्नोर कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि आप बहुत मजे में हो और आप इसको इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसको डर है कि कहीं ना आपको लाइफ में कोई दूसरे पर्सन मिल गया है, या फिर कहीं ना आप दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो, ये डर इसका है। अभी मैं देखूंगा कि ये रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ेंगे, इन रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शंस। देखिए यहाँ पे हैंगमैन मतलब ये पर्सन अचानक एक पॉजिटिव होके आपके लाइफ में आ रहे हैं, 360 डिग्री एंगल चेंज। ये क्यों हो रहा है, आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रही हो, फिर प्रेयर्स कर रही हो, फिर जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, ये सीरियसली काम कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ ये क्वीन फ्लेम पर्सन है, अक्सर इसके पैटर्न ऐसा ही रहता है, फिजिकल इंटीमेसी का जब बात आता है तो ये एकदम एक पैर पे राजी, उसके बाद
आपके साथ कोई बात नहीं होता है, देन अगेन ये बात करते हैं, ये रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा था और आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है ये, क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये काइंड ऑफ आपके कार्मिक है, क्या ये है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहले ट्वीन फ्लेम था और ट्वीन फ्लेम धीरे धीरे सोलमेट में बदल रहे हैं। तो ये पर्सन अक्सर आपको नो बोल रहा था या फिर आपको बोल दिए थे कि नहीं आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे, वो किसी दूसरे पर्सन को पसंद करते हैं, बट फाइनली ये पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे और डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत, मतलब इसके लिए आप शायद 12 साल, इसके लिए आप शायद 4 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 1-2 साल आप वेट कर रहे हो बिना मैसेज के। ये पर्सन ऑलमोस्ट चले गए थे, ये फिर शादी फिक्स्ड हुआ था बट शादी को रुका के ये आपके पास आ रहे हैं और डेफिनेटली ये आपको सरप्राइज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन द सन, द बेस्ट 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 रिजल्ट आप मान सकते हो। ये पर्सन आपके सामने एक बहुत बड़ा क्लैरिटी लेके आएंगे, ऑब्वियसली कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट, और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये अपने फैमिली के साथ लड़ रहे, मेरे ख्याल से ये इसके फैमिली भी साजिश कर रहे थे आप दोनों को ब्रेकअप करवाने के लिए या फिर डिवोर्स करवाने के लिए, डिवोर्स को ये रोक रहा है। और फाइनली मैं देख सकता हूँ कि ये एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पर्सन को मिस कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे बट उस पर्सन के तरफ से कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आ रहा था, तो यूनिवर्स ने नए एक पर्सन को भेजे और उसके साथ आपका बात चल रही, तो हो सकता है वो पर्सन का हूबहू सिमिलैरिटीज कुछ है बट अभी तक आपका कोई साइन नहीं मिला था। तो ये वीडियो भी साइन हो सकता है कि जिस नए पर्सन के साथ हो, शायद उस नए पर्सन के साथ आपका शादी होने वाला है या फिर जिस नए पर्सन के साथ आप बात चल रहे हैं उसके साथ आप कमिटमेंट पे जा सकते हो। बट डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स उनका कर्मा काइंड ऑफ जो पाप वो किए हैं उस पाप को हटा के आपके लाइफ में एक नए पर्सन को लेके आ रहे हैं, और नहीं तो ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करेंगे और डेफिनेटली ये पर्सन एक नए पर्सन बन के आ रहे हैं जो आपके लिए दावा करेंगे और जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, लिटरली कमिटमेंट दे रहे हैं, इसके साथ आपका शादी हो सकता है। डेफिनेटली टेम्परेंस, ये रिकन्सिलिएशन के कार्ड है और मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, कम्युनिकेशन, ईगो इशू, फैमिली बैकग्राउंड एंड स्टडीज और जॉब। ये पर्सन आपके आपको बोल रहे कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, वो आपके लिए स्टेप लेंगे। पहले मैं देख सकता हूँ कि ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, फ्लर्ट किए हैं, फिजिकल इंटीमेट हुए हैं, बट ये पर्सन चेंज करेंगे खुद को और ये आपको काइंड ऑफ प्रॉमिस करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि अपने सोशल मीडिया को छोड़ के आपके पास आएंगे। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि रो के आपके सामने सॉरी बोलेंगे और आपको ये बोलेंगे कि अब से ये सब चीज नहीं करेंगे। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग चीजें आ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं था और जो शायद आपका आइडिया भी नहीं था, बट ये पर्सन आपको सरप्राइज देने के लिए नहीं, ये डिवाइन कॉलिंग है, माँ काली या फिर आपके अल्लाह या फिर जो भी भगवान यूनिवर्स को आप मान रहे हो, ये पर्सन इनको लेके आ रहे हो। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों शायद अलग हो गए थे, फाइनली आप लोग मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस संडे के अंदर आपको अपना क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जा रहा है। एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होगा, प्रपोज भी होगा और आप एक बहुत अच्छे रेजोल्यूशंस आपको मिलेंगे। पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहा है, ईगो इशू सॉल्व हो रहा है, ये पर्सन फाइनली आपके सामने आके प्रॉमिस कर रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ और आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बोल दीजिए कि प्योर लव, प्योर लव 1111, प्योर लव 1111, ओके। एंड मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज। प्लीज 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 मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल में ही मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो फेक स्कैमर से बचिए, मैं आपको कभी भी मैसेज करके नहीं बोलूंगा कि मेरे नंबर पे पैसा भेज दीजिए, मैं तभी आपको बोलूंगा कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं पहले आपका रीडिंग करूंगा उसके बाद मैं मेरा एनर्जी एक्सचेंज जो है 599 रुपीज, 1 घंटा 15 मिनट सेशन से उसके बाद ही मैं लूंगा, बट पहले मैं आपको पैसा नहीं बोलूंगा कि भेजिए या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मैं नहीं बोलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।